आज ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे देश के साथ विदिशा के ट्रक संचालकों ने भी हड़ताल कर दी। हड़ताल की मुख्य वजह डीजल के बढ़ते हुए दाम बताए जा रहे हैं। ट्रक चालकों और संचालकों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट में डिप्टी कलेक्टर कुमार सानू देवड़िया को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि डीजल के दाम कम किए जाए और डीजल और पेट्रोल को जीएसटी में शामिल किया जाए। एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान भी ट्रक बदस्तूर चल रहे थे, लेकिन उस समय डीजल के दाम कम थे, अब डीजल के दाम बहुत ज्यादा हो गए हैं। ऐसे में ट्रक का खर्चा चालक और क्लीनर की वेतन भी देना मुश्किल हो रही है। अपनी जेब से डीजल का खर्च वहन कर रहे हैं। संचालकों ने और एसोसिएशन के सदस्यों ने डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर सभी ट्रक संचालकों ने हड़ताल करते हुए अपने वाहनों पर काले झंडे लगाए और विरोध प्रदर्शन किया। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, क्या मांग है, क्या मामला है? इन्होंने ये बढ़ते डीजल प्राइस को लेकर ज्ञापन दिया हुआ है। कुछ तरीके का ये रिलीफ चाह रहे हैं, पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और माननीय वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन दिया हुआ है। डीजल का रेट इतना बढ़ चुका है कि हमारी समर्थन नहीं कि हम गाड़ी चला सकें, और ना हम मतलब ड्राइवर हैं जो कनेक्टर हैं उनको तनख्वाह नहीं दे सकते, उनको हमने घर भेज दिया और गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं। कम से कम 15-15 दिन से गाड़ियाँ खड़ी हैं, और कोरोना काल में भी गाड़ियाँ चलती रही हैं, लेकिन इतने रेट कम है कि डीजल जेब से डाल के माल पूरा करना पड़ रहा है कि आदमी का उसको पहुँचाया जाए। इसलिए ये काला दिवस मना रहे हैं कि सरकार हमारी तरफ ध्यान दे और डीजल का रेट कम करे और जहाँ जी उसको जीएसटी मिला। आज किस संदर्भ में? आज 28 जून को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के आह्वान पे पूरे हिंदुस्तान में ब्लैक डे काला दिवस रखा गया है। सरकार को जगाने के लिए सरकार इस कोरोना काल में विषम परिस्थितियों ने जिन गाड़ी वालों ने काम किया, सब लोग घरों में बैठे रहे, गाड़ी वाले अपना सबकी सेवा करते रहे, पूरे देश में माल इधर से उधर ढोते रहे अपनी जान की परवाह किए बगैर, वह व्यापार आज इस स्थिति में है कि गाड़ी वाला कहीं का नहीं बचा, उसको अपनी जेब से पैसा लगा के भी नुकसान हो रहा है। उसको डीजल 98 रुपये हो गया है, गाड़ी वाला किस्त अपनी चुका नहीं पा रहा। हमारी मांगें ये हैं कि डीजल के दाम कम किए जाएं, जीएसटी में लाया जाए, डीजल को जीएसटी में लाया जाए, एवं जो गाड़ियों जिनकी किस्तें हैं गाड़ियों की, जिन्होंने गाड़ी लोन पे ले रखी हैं, जिन गाड़ियों की किस्तें हैं, उन गाड़ियों का मोनिटोरियम पीरियड और बढ़ाया जाए, 6 महीना 1 साल कम से कम बढ़ाया जाए, जिससे कि गाड़ी वाला पे ये जिंदा रह सके, उस पर भार ना पड़े। इसके अलावा ई वे बिल में सुधार किया जाए, ई वे बिल में त्रुटि है। ई वे बिल 100 किलोमीटर पे कम से कम 1 दिन का समय दिया जाना चाहिए, एवं और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे ये मोटर जगत जूझ रहा है, परेशान हो रहा है। इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए इसकी तरफ, क्योंकि परिवहन जो है पूरे देश की रीढ़ है। परिवहन अगर 24 घंटे के लिए भी बंद हो जाए तो पूरे देश में अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।